छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है, रायपुर में भी इससे अछूता नहीं है। राजधानी का पारा 43 से 44 डिग्री पहुंच गया है। दोपहर में सड़कें सूनसान हैं और गर्मी से बचने के लिए इंसान कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है, लेकिन पशु पक्षियों की हालत बेहाल है। गर्मी से बचने के लिए वो अभी भी आश्रय और पानी के लिए सकोरा तलाश कर रहे हैं। रायपुर का नंदनवन जिले में पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर पक्षियों का बसेरा है। भीषण गर्मी में इस पक्षी विहार में क्या है हालात जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। राजधानी रायपुर से लगे नंदनवन के पक्षी विहार में अनेक प्रजाति के पक्षियों को रखा गया है। उनके लिए वहां पर कुछ व्यवस्थाएं जरूर हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में वे नाकाफी साबित हो रहे हैं। यूं तो बतख पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी। हम इस वक्त मौजूद है रायपुर के नंदनवन में। नंदनवन अब पक्षी विहार नाम से जाना जाता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर जंगल सफारी बनाया गया, यहाँ के आधे से अधिक जानवरों को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। पक्षी विहार का नज़ारा हम आपको दिखा दें कि ये नंदनवन है, रायपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी स्थितियाँ हैं जो बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ स्थितियों का जायजा लेने अभी वन विभाग के अधिकारी पहुँचे हुए हैं और इन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा रायपुर नंदनवन का जायजा हम ले रहे हैं और आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। वन विभाग के अधिकारी भी पक्षी विहार का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने स्वीकार किया कि यहां पर जो सेट बनाए गए हैं वो किसी कारणवश ध्वस्त हो गए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द रिकवर किया जाएगा। इसको बने हुए हो गया लगभग 6 वर्ष हो गया है। इसमें हम लोगों ने ये देखा है कुछ तो ऊपर का जो जाली जो है वो इसका रस्ट हो रहा है, और रस्टिंग होने से उसकी लाइफ जो है वो थोड़ा सा ये हो रहा है। तो हम लोग ये वो देखना है कि क्या इसके लिए क्या करना है। तो इसके लिए बनाना है जो जो रस्ट हो रहा है और जो जैसे मैम हम लोग के पास एग्जोटिक बर्ड्स हैं पूरे, तो उनमें से ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीका से रिलेटेड हैं। तो हम लोग के लिए बर्ड्स के लिए ठीक है, एक जैसे एनिमल्स के लिए होता है कि उनको एक टेम्परेचर 35-34 के बाद उनको एक हीट लगना चालू होता है। बर्ड्स में ये चीज़ का हम लोग के में फ़ायदा रहता है, बर्ड्स ज़्यादा एक हाई टेम्परेचर तक के उनका सर्वाइव करने का रहता है प्रॉपर। नंदनवन में पक्षी विहार को लेकर तमाम तरह के दावे प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन अभी तक व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुलभ नहीं हो सकी हैं। पक्षियों के आश्रय से लेकर दाना पानी तक की माकूल व्यवस्था की दरकार अभी बनी हुई है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि व्यवस्थाएं जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएंगी। ये नंदनवन का पक्षी विहार है, जिसकी स्थिति से हम आपको रूबरू करवा दें कि यहाँ पर जो जितने पक्षी आप देख पा रहे हैं, इन्हें धूप से भी बचने की ज़रूरत है और तेज बारिश से भी। लेकिन यहाँ पे जो सेडिंग्स किए गए हैं, जो लोहे के जो यहाँ पे एक आवरण बनाया गया है, उसके ऊपर जो आप शेडिंग देख पा रहे हैं, जो आंधी तूफान है किसी कारणवश पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, और इन जो पक्षियों का जो रंग भी है वह आधा हो चुका है। यह पक्षी इस रंग के होते नहीं है, लेकिन तेज धूप के कारण इनके रंगों में भी असर पड़ा हुआ है। और रायपुर के नंदनवन से हमने आपको इसकी ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वह दिखाई है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, आईएनएस 24x7 रायपुर।